वन हम पढ़ रहे हैं हैप्लो डिप्लॉयड लाइफ साइकिल, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं ये टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन आप कह सकते हैं, क्योंकि हम सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं फ्रॉम द चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज हम ये पढ़ेंगे कि ये हैप्लो डिप्लॉयडी क्या होता है। अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो में बेटा क्या पढ़ा था कि मेल हेट्रोगैमिटी क्या है, फीमेल हेट्रोगैमिटी क्या है, और किस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर गोइंग टू हैव सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हमने कल किया था, आज ये हम पढ़ने वाले हैं हैप्लो डिप्लॉयड। हैप्लो डिप्लॉयडी ये किसमें बेटा देखने को मिलती है? ये देखने को मिलती है हनी बीज में। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हनी बीज के बारे में। जो हनी बीज हैं ये बेटा क्या हैं? ये सोशल इंसेक्ट हैं। हनी बीज की बात हो रही है, ये कैसे इंसेक्ट्स हैं? सोशल इंसेक्ट। जैसे ही आपके दिमाग में आया सोशल इंसेक्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे घरों में आते हैं मिलने, बड़े मिलनसार होते हैं, हेलो नमस्ते चलो काम की बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सोशल इंसेक्ट का मतलब क्या है कि ये कॉलोनी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं बेटा? कॉलोनी में रहते हैं। अब कॉलोनी में रहते हैं तो नेचुरल सी बात है कॉलोनी के बहुत सारे फंक्शंस होंगे, किसी एक कॉलोनी में बहुत सारे डिफरेंट रोल्स होते हैं। तो अलग अलग इसमें हनी बीज में भी अलग अलग वैरायटी पाई जाती है, यानी एक ही छत्ते के अंदर अलग अलग टाइप ऑफ वर्क जो बीज प्रेजेंट होते हैं। कुछ इंसेक्ट होते हैं जो हमारे होते हैं ड्रोन्स, जो मेल होते हैं इनको ड्रोन कहते हैं। कुछ वर्कर्स होते हैं जिनका काम होता है मेंटेनेंस ऑफ छत्ता, ये फीमेल होती हैं। और एक होती है हमारी रानी मक्खी जिसे हम बोलते हैं क्वीन। क्वीन और फीमेल में क्या फ़र्क है? क्वीन भी फीमेल है, वर्कर भी फीमेल है। वर्कर स्टेराइल बता रहे हैं, स्टेराइल होती हैं। वर्कर क्या होती हैं? स्टेराइल। और क्वीन भी फर्टाइल। जो वर्कर्स होती हैं, अगर क्वीन बी मर जाती है तो इन्हीं वर्कर में से कोई फीमेल एक ऐसा फूड खिलाया जाता है जिसको खा के वो क्वीन बन जाती है। और एक नहीं, कई सारी वर्कर्स को खिलाया जाता है, उसमें से जो पहले क्वीन बन जाती है फिर उसी का राज होता है, वो बाकियों को फिनिश कर देती है, ठीक है। या वो ऐसे हार्मोन या ऐसे कुछ केमिकल रिलीज करती है कि बाकी वर्कर बीज में से कोई क्वीन ना बन पाए, सीधे बैठे ड्रामा ना करें। हमने क्या पढ़ा अभी तक? हैप्लोडिप्लॉयडी हम पढ़ रहे हैं, इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया। हैप्लोडिप्लॉयडी नाम से क्लियर है कि ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करेगा, यानी इसमें हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स भी देखने को मिलेंगे और डिप्लॉयड भी मिलेंगे, ठीक है। क्या होता है कॉन्सेप्ट, उसके बारे में भी बात करेंगे। एग्जाम्पल है हनी बी। हनी बीज आर सोशल इंसेक्ट। वाई दे आर सोशल इंसेक्ट? बिकॉज दे लिव इन कॉलोनी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर्स आर देयर, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबर्स आर देयर इन दिस कॉलोनी। सम आर ड्रोन, सम आर वर्कर्स, सम आर क्वीन, ठीक है। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? लेट अस स्टार्ट, ठीक है। एक क्रॉस से हम समझते हैं, एक तरफ हम ले लेते हैं फीमेल, एक तरफ ले लेते हैं मेल। चलो इधर मेल ले लेते हैं, इधर फीमेल। मेल हमारा क्या है बेटा? ड्रोन। ड्रोन हमारा क्या है? मेल है। अच्छा, इनका जो रिप्रोडक्शन है या इनका जो प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग देयर जनसंख्या है वो ऐसा आम नहीं है। इनमें क्या होता है, जो रानी मक्खी होती है ना, वो बस एक बार अपने लाइफ में क्या करती है? फ्लाइट लेती है, उड़ती है, ठीक है, उड़ान भरती है। जैसे ही क्वीन उड़ती है अपने छत्ते से, इसके पीछे बहुत सारे मेल भी उड़ते हैं साथ में, ठीक है, बहुत सारे मेल्स भी उड़ते हैं साथ में, ठीक। और सब चाहते हैं कि इनसे इनका स्वांग रच जाए, इनसे इनको प्यार हो जाए, लगे रहते हैं रानी मक्खी के पीछे, लगे रहते हैं, रानी मक्खी उड़ती रहती है। इस फ्लाइट को न्यूपचुअल फ्लाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूपचुअल फ्लाइट। अब ये रानी मक्खी उड़ी, रानी मक्खी उड़ते ही पीछे उसके पड़ गए सारे के सारे मधुमक्खे, ठीक है। तितली उड़ी, उड़ के चली जाने कहाँ बैठ गई, तितली नहीं है ये हमारी रानी कोई नहीं, ये उड़ी, इनके पीछे बहुत सारे ड्रोन्स उड़े। जो पहला ड्रोन इसके पास जाएगा वो इसके अंदर बहुत सारे स्पर्म डिपॉजिट कर देगा, ठीक है, इसके अपने एग्स होंगे। वो जो स्पर्म इसके पास आ गए ना, उतने ही स्पर्म से लाइफ टाइम क्या प्रोड्यूस करेगी? ऑफस्प्रिंग। उतनी ही इसकी लाइफ होगी ऑन द बेसिस ऑफ दैट जितने इसने स्पर्म रिलीज करेंगे, जब तक ये अपना क्या करती रहेगी, आगे चल के क्या प्रोड्यूस करेगी बेटा? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने वाली है, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने वाली है। जो जितने स्पर्म्स, जितने एग होंगे इसके पास, उनसे सॉरी जितने स्पर्म्स होंगे उनसे फर्टिलाइज होकर जितने बच्चे पैदा होंगे वो सारे वर्कर होंगे, फीमेल्स होंगे, और जो अनफर्टिलाइज पैदा होंगे वो सारे मेल्स होंगे, ठीक है। जैसे ही एक ड्रोन इसके अंदर अपने स्पर्म्स को इंजेक्ट करता है,
वैसे ये लात मारती है ड्रोन के, और ड्रोन का पेनाइल ऑर्गन या सेक्स ऑर्गन फीमेल की बॉडी में रह जाता है, ड्रोन दूर जाके गिरता है। कभी तुम लोगों ने देखा हो लाइट जल रही हो तो नीचे मधुमक्खी के छोटे छोटे मधुमक्खी आके ऐसे तड़प रहे होते हैं, एक तो स्पेशली एक ही आता है, देखा होगा अक्सर, तड़प रहा होता है बेचारा ऐसे थोड़ी देर बाद मर जाता है, वो यही मौत मरा होता है ठीक, लेकिन फिर भी वो बाकियों से प्राउड फील कर रहा होता है, कहता तुम लोग कर ही गया भाई, बस समझ आई, मतलब मरे तो कुछ करके मरे। ये हो गया फीमेल के केस में, क्या होगा बेटा फीमेल को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, फीमेल यहाँ पे हमारी क्वीन होगी बेटा। फीमेल तो वर्कर भी है पर वो क्या है, स्टेराइल है, स्टेराइल है, क्या है बेटा, स्टेराइल, और क्वीन हमारी क्या है, फर्टाइल है। क्वीन के पास होते हैं 32 क्रोमोसोम, ड्रोन के पास होते हैं 16। ये 32 का मतलब ये क्या है, 2n है, ये डिप्लॉयड है, ये क्या है मेरे बच्चों, डिप्लॉयड। ड्रोन क्या है हमारी, हैप्लॉयड, ड्रोन हमारा लड़का है, लड़का हमारा क्या है, हैप्लॉयड, और जबकि हमारा क्वीन क्या है, डिप्लॉयड। ये 32 क्या लिखा है मैंने, 32 और 16 ये क्या है, क्रोमोसोम्स, ठीक है। यहाँ से ड्रोन निकालेगा अपने गैमीट्स और यहाँ से ये फीमेल निकालेगी अपने गैमीट्स। बेटा फीमेल के केस में क्या होगा, यहाँ पे मियोसिस हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, तो गैमीट्स कैसे बनेंगे, 16 और 16। अगर ये मियोसिस कर देंगे तो इनके 8 ही हो जाएंगे, तो ये मियोसिस ना करके क्या करते हैं, माइटोसिस, इनके कितने बने, 16। ये जाके इससे क्या करेगा, फ्यूज, अब क्या हो गया, 32 हो गए, 32 हो गए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जायगोट, जायगोट का नंबर कितना आया, 32, यानी ये क्या होगा, डिप्लॉयड। इतनी बात समझ में आई, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बच्चा क्या बना हमारा, डिप्लॉयड, 32। तो ये क्या होगी, फीमेल होगी, अब ये वर्कर बनेगी, क्या बनेगी, क्वीन। तो हम बनाते हैं स्पेशल फूड देके, ठीक है, वो आपका इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि बताते हैं रॉयल जेली खिलाई जाती है जिसको हमें क्या बनाना होता है, क्वीन। बड़ा ही सिस्टमैटिक फंक्शन होता है, किसके अंदर, हनीकॉम के अंदर, ठीक है। अब ये जो 16 वाला है, अगर ये फर्टिलाइज नहीं होगा तो ये 16 का 16 बनेगा अनफर्टिलाइज एग से मेल, क्या बनेगा, बिना फर्टिलाइजेशन के एग से डायरेक्ट मेल बना जा रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, क्या बोलते हैं, आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फ्लावरिंग प्लांट में मैंने बताया था, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। अदर देन फ्लावर से डेवलप होने वाले को हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। इसमें क्या बोलेंगे प्रोसेस को, पार्थिनोजेनेसिस, क्या बोलेंगे बेटा, समझ में आ गई बात, बोलो बेटा दीपक, बात समझ में आ गई। हमने बेटा क्या पढ़ा, हनीबीज के बारे में हैप्लोडिप्लॉन्टिक पढ़ रहे हैं, हैप्लोडिप्लॉयडी कैसे आ गया, हैप्लोन्टिक हमारा ड्रोन था, डिप्लॉन्टिक हमारी या डिप्लॉयड हमारी क्या थी, क्वीन थी। फीमेल ना लिख के क्वीन ही लिखोगे आप, क्योंकि ऑल फीमेल्स आर नॉट फर्टाइल, ठीक है, क्वीन इज फर्टाइल, इट इज हैविंग 32 क्रोमोसोम, इट इज हैविंग 16, इट अंडरगोज मियोसिस फॉर्म 16 एज गैमीट, इट अंडरगोज माइटोसिस टू फॉर्म 16. When this 16 fuses together, the process is called fertilization, leading to the formation of zygote, which is a diploid structure. Understood? Which is a diploid structure. But if the egg get, the unfertilized egg get developed, it develops into a male. ठीक है? With the process of parthenogenesis, this male is called as drone. This male is called as drone. ठीक है? ड्रोन की ज़िंदगी, इसमें मर्द होने पे कोई प्राउड वाली बात नहीं है, बड़ी ख़राब घटिया ज़िंदगी होती है बेचारी, ठीक है, वर्कर से खाना मांगते रहते हैं भिखारियों की तरह, इनकी अपनी कोई इज्जत नहीं होती, बेचारे को जो है बहुत ही तुच्छ नज़रों से देखा जाता है। बेटा फीमेल क्या करती है, अनफर्टिलाइज पार्थेनोजेनेसिस से कब बनाएगी, जब उसके पास स्पर्म बचेंगे नहीं, जब तक के हैं तब तक के फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइज एग बन रहे हैं, तब तक वो क्या बनाती रहेगी, फीमेल वर्कर बनाती रहेगी। ये तो बेचारे अनवांटेड बच्चे हैं, एक बार ज़िंदगी में उसको आदमी की ज़रूरत पड़ी थी, वो भी जैसे ही काम हो गया वैसे ही लात मार दी, बात समझ रहे हो, वर्कर फीमेल ही होती है, मेल हमारा ड्रोन होता है, फीमेल नहीं होता है,
ठीक है, ये मेल होता है, इनका काम होता है इनको एक बार फर्टिलाइज कर देना, बस समझ आ रही। आप सुनो, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा लॉजिक जो आपकी एनसीईआरटी कहता है कि ड्रोन के पास बाप नहीं है, यानी पिता नहीं है, पिता नहीं दादा है, क्वीन के पास पिता है, पिता भी नहीं लिख पा रहा हूं मैं, पिता है और दादा नहीं है। अब ये क्या नाटक है? ड्रोन की अगर हम बात करें तो ड्रोन यहाँ पे बना है बिना फर्टिलाइजेशन के बना है, तो बिना फर्टिलाइजेशन का मतलब इनके पास पापा है ही नहीं, बात समझ आ गई, इनके पास पापा है ही नहीं, बात समझ में आ गया। मम्मी ने तो पैदा किया बे पगला, इसके पास पापा नहीं है मम्मी है, मगर दादाजी तो होंगे ना, क्योंकि क्वीन की किसी ना किसी के साथ मेटिंग हुई है, तभी तो क्वीन प्रोड्यूस कर पा रही है। तो यानी इनके पास पिता नहीं है पर दादा हैं, किसके पास? ड्रोन के पास। ड्रोन डज नॉट हैव फादर बट इट हैज ग्रैंडफादर, अंडरस्टूड? क्वीन डज नॉट हैव ग्रैंडफादर बट हैव फादर। अब कैसे ग्रैंडफादर नहीं है, फादर कैसे? वो आप यहाँ पे देख लें भैया, ये हमारा क्या बना, फर्टाइल बना है, फर्टाइल नहीं वर्कर भी बना है, फीमेल बना है। अब वो मेल है मतलब वो क्वीन है या वर्कर है वो सेकेंडरी फैक्टर है, पर बना तो फर्टिलाइजेशन से ना, तो फर्टिलाइजेशन का मतलब इनके पास पापा थे, पापा तो थे मगर दादा नहीं थे, हाँ ड्रोन के पापा नहीं थे। पता नहीं समझ भी पा रहे हो कि नहीं, सुनो रुको जरा, देखो इधर हमने देखा कि चुप रहो एकदम, 16 ड्रोन के पास थे क्रोमोसोम, इसकी मियोसिस से 16 है, फर्टिलाइजेशन हुआ बन गई लड़की, तो लड़की के पास पापा है ना, लेकिन इसके पापा तो ड्रोन के यहाँ पे है ही नहीं, ड्रोन तो तुम्हारा पार्थेनोजेनेसिस से बना है, ड्रोन तो ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग ना, जब अनफर्टिलाइज्ड एग से बन रहा है उसको पिता की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे बॉयज ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट है, बाप की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो? तो ड्रोन डू नॉट हैव बाप, ड्रोन्स हैव दादा, क्वींस हैव बाप, डू नॉट हैव दादा। आप समझ में आ गया? बस थोड़ा सा यहीं पे एक एनसीईआरटी की लाइन है जो थोड़ी ट्रिकी लगती है। तो फिनिश हो गया ये टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन, अगला टॉपिक हमारा क्या है बेटा? पेडिग्री एनालिसिस और म्यूटेशन, म्यूटेशन तो लंबा टॉपिक है, इसमें नहीं शुरू करेंगे, थोड़ा सा इससे रिलेटेड जो छूट रहा है वो फिर से बता देते हैं। बेटा ड्रोन्स डू नॉट हैव फादर एज इट डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम क्वीन, बट ड्रोन्स हैव ग्रैंडफादर, दिस वी हैव अंडरस्टूड हाउ इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। नेक्स्ट, इन हनी बीज फर्टिलाइज एग डेवलप इनटू फीमेल, अब नाउ इट मे बी क्वीन इट मे बी वर्कर डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ क्वीन, अगर क्वीन पहले से जिंदा है और वो फर्टाइल है, वो अंडे बच्चे कर रही है, तो क्या होगा, ये बनने वाला जो हमारा फीमेल होगा ये वर्कर होगा, क्या होगा? जब क्वीन की जरूरत ही नहीं तो ये वर्कर ही होगा, बात समझ आ रही है? नहीं, वर्कर फर्टाइल होगा एक स्पेशल फूड खाने के बाद, पैदाइशी फर्टाइल नहीं है, बात समझ रहे हो? मतलब ये औरत है, इसके औरत होने के पूरी जो एहसास इसको दिया जाएगा, फील दिया जाएगा, वो खाना देने के बाद उसको बनाया जाता है कंप्लीट फीमेल, बात समझ आ रही हो? ओके, द मेल्स हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ अ फीमेल, दैट वी हैव अंडरस्टूड, इट इज हैविंग 16 क्रोमोसोम्स, देयरफॉर द मेल्स आर हैप्लोइड एंड द फीमेल्स आर डिप्लॉयड, लीडिंग टू हैप्लोडिप्लॉयडी लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉयडी सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनीबीज। बहुत छोटा सा टॉपिक था, आई बिलीव आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, वेट फॉर द म्यूटेशन।